हेलो स्टूडेंट, अभी तक फंक्शन में हम लोग डोमेन, रेंज, इवन और आइडेंटिकल फंक्शन ये देख चुके हैं। आज का टॉपिक है हमारा पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है? जिस फंक्शन का वैल्यू एक खास इंटरवल के बाद रिपीट करे, दैट फंक्शन इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। जैसे साइन एक्स, आप ग्राफ जानते हैं, साइन का जब ग्राफ बनाते हैं तो जीरो से टू पाई, यह ग्राफ हुआ टू पाई तक। फिर इसके बाद जो ग्राफ होगा क्या होगा, यही पार्ट रिपीट होगा, फिर इसके बाद यही पार्ट रिपीट होगा, फिर इसके बाद यह पार्ट रिपीट होगा। तो जीरो से टू पाई जो लेंथ हुआ, या टू पाई से फोर पाई के बीच का लेंथ क्या होगा, टू पाई। तो इस टू पाई को बोलते हैं पीरियड। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है रिपीटिंग फंक्शन, जिसका वैल्यू एक डिफरेंट इंटरवल के बाद रिपीट करे, दैट फंक्शन इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, देखिए डिफिनेशन पीरियोडिक फंक्शन का। इफ देयर एग्जिस्ट्स ए नॉन जीरो नंबर, कांस्टेंट नंबर, नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो कांस्टेंट टी, सच दैट एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, वेयर एक्स प्लस माइनस टी belongs to domain of the function, for all x belongs to domain of the function। इस पार्ट को बाद में एग्जाम्पल से समझाएंगे, पहले केवल इतना समझना है। अब देखिए sin x plus 2 pi क्या होता है, sin x, तो t का वैल्यू क्या हो गया 2 pi। यदि कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिसमें x plus t एड करने पर फंक्शन सेम रहे, उस फंक्शन को बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। और जो टी का जो वैल्यू है 2 पाई, यह क्या होना चाहिए, नॉन जीरो कांस्टेंट। अब देखिए यहां पर हम तो यह भी बोल सकते हैं x प्लस 4 पाई भी क्या होगा, साइन x, तो यहां पर टी का वैल्यू क्या होगा 4 पाई, तो टी यूनिक नहीं होगा, ठीक है, 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इनफाइनाइट वैल्यू टी का होगा, माइनस टू पाई माइनस फोर पाई, नेगेटिव वैल्यू भी रख सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट होना चाहिए और जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कोई कहे एफ एक्स प्लस जीरो इक्वल टू एफ एक्स, टी बोला जाए कि टी जीरो है तो एवरी फंक्शन पीरियोडिक हो जाएगा, तो टी नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए, एक्स से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो टी का वैल्यू यूनिक नहीं होगा, इनफाइनाइट। तो साइन के लिए टी का वैल्यू क्या क्या हो गया, टू पाई फोर पाई सिक्स पाई, इन सभी वैल्यू में लिस्ट पॉजिटिव है, पॉजिटिव शब्द को ध्यान देना, लिस्ट पॉजिटिव, लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन होगा, टू पाई, इसको बोलेंगे पीरियड। टी का तो इनफाइनाइट वैल्यू होगा, लेकिन टी का जो लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगा उसको बोलेंगे फंक्शन का पीरियड। इसको लिखते हैं लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी इज कॉल्ड पीरियड और फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड, लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी इज कॉल्ड पीरियड और फंडामेंटल पीरियड। हाँ, आप तो सीखने का पैटर्न जानते हैं कि नोट नहीं करना है, केवल समझना है, देखना है। जब मैं बोलूंगा नोट करने के लिए तब वीडियो को पॉज करेंगे और फिर नोट करेंगे, तभी केवल समझे। तो साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसके लिए टी का वैल्यू टू पाई फोर पाई सिक्स पाई, इनफाइनाइट नंबर होगा, और उसमें से जो लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगा उसको बोलेंगे फंडामेंटल पीरियड। तो साइन का फंडामेंटल पीरियड क्या हो गया, टू पाई। अब चूंकि आप जानते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन साइन ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन होता है, साइन कॉस टेन से कोसेक, जैसे लॉग फंक्शन का अगर आप जानते हैं, यह लॉग है, यह पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। इंक्रीजिंग फंक्शन कभी पीरियोडिक नहीं हो सकता है। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आप जानते हैं, यह एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, यह पीरियोडिक नहीं हो सकता है। तो पीरियोडिक फंक्शन छह सात ही है, जो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, एक कांस्टेंट फंक्शन है, इतने ही फंक्शन पीरियोडिक है। अब इसमें कुछ चेंज किया जाए तो पीरियड चेंज हो जाएगा, तो उसको थोड़ा सा समझेंगे हम लोग।
आप इलेवेंथ में ही पढ़े हुए हैं या ग्राफ से भी आप इमेजिन कर सकते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स, सेक ऑफ एक्स कोसेक ऑफ एक्स, और दूसरा ग्रुप हो गया टैन एक्स कॉट एक्स। टैन का ग्राफ आपको याद है क्या? टैन का ग्राफ ऐसे होता है, या माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और यही ग्राफ रिपीट करेगा। आगे ग्राफ बनाना है तो यही रिपीट इसी ग्राफ को रिपीट कर देना है। तो ये जो पहला जो ग्राफ बनाया इसमें एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, इसका लेंथ कितना हुआ, तो पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वह लेंथ क्या हो जाएगा, पाई। यही इसका पीरियड हो गया। तो टैन और कॉट का पीरियड क्या होता है, पाई। साइन कॉस सेक कोसेक का पीरियड क्या होता है, टू पाई। नोट नहीं करेंगे, लास्ट में हम सब नोट कराएंगे, चिंता नहीं करना है। सुन करके जो बातें याद होगी, लिख करके बहुत कम टाइम तक याद रहेगा, सुना हुआ बात लंबा टाइम तक याद रहेगा, लिख करके जो आप याद करेंगे वह कुछ ही दिनों के बाद भूल जाएंगे, इसलिए लिखना अभी नहीं है, लिखने के लिए हम बोलेंगे वेट करें, केवल समझे, समझना ही मेन चीज है। साइन कॉस सेक कोसेक का पीरियड क्या होता है, टू पाई। टैन और कॉट का पीरियड क्या होता है, पाई। अब इसमें कुछ चेंज होगा, जैसे मॉड साइन एक्स कर दिया जाए, मॉड साइन एक्स, तो इसका पीरियड थोड़ा सा चेंज होगा, तो क्या होगा अब वही समझेंगे। जैसे यह ग्राफ जो था साइन एक्स ग्राफ, टू पाई के बाद यह ग्राफ रिपीट होगा, इसलिए साइन का पीरियड टू पाई होगा। अब मॉड का मतलब क्या हुआ, कि जो वैल्यू नेगेटिव होगा वह पॉजिटिव बन जाएगा, तो यह वैल्यू तो नेगेटिव है, अब यह यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यह ग्राफ ऊपर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तब देखेंगे कि पाई के बाद ही इसका रिपीटेशन शुरू हो गया, तो मॉड साइन एक्स का पीरियड क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। बहुत आसान है समझना, साइन एक्स कॉस एक्स सेक ऑफ एक्स कोसेक ऑफ एक्स का पीरियड जो है टू पाई है, लेकिन मॉड जब भी आप रखेंगे तो उसका पीरियड क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा। अभी को समझ, यदि साइन स्क्वायर एक्स रखा जाए, साइन टू दी पावर फोर एक्स रखा जाए, इवन पावर रखिए, तो फिर वही रीजन, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, तो जो पहले टू पाई के बाद रिपीट हो रहा था अब पाई पर ही रिपीट हो जाएगा, तो इन सभी का ही पीरियड क्या होगा, पाई होगा। क्लियर है बच्चे? यदि ऑड पावर रखेंगे, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, तो ऑड नंबर में पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव ही वैल्यू देगा, नेगेटिव नंबर नेगेटिव ही वैल्यू देगा, तो इसके पीरियड का लेंथ टू पाई ही रहेगा। तो यदि ऑड पावर रखेंगे इस चारों फंक्शन में से किसी पर, तो उसका पीरियड पहले भी टू पाई था और बाद में भी टू पाई रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? फिर एक बार रिपीट करते हैं, साइन कॉस सेक कोसेक का ओरिजिनल पीरियड टू पाई हुआ, इन चारों में किसी पर मॉड रख दीजिए तो उसका पीरियड पाई हो जाएगा, इवन पावर रखेंगे तब भी पीरियड पाई होगा, लेकिन ऑड पावर रखेंगे तो टू पाई रहेगा। टैन कॉट का क्या होगा देख लेते हैं, इसका भी स्टोरी, यह ग्राफ टैन का है, यही रिपीट हो रहा है, और मॉड टॉन मॉड रख दीजिए टैन एक्स पर, तो जो नेगेटिव पार्ट है वह भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव की तरफ आ जाएगा, तो यह माइनस पाई बाई टू और यह पाई बाई टू, यह जो नेगेटिव है यह पॉजिटिव की तरफ आ जाएगा। तो अभी भी देख रहे हैं कि यही पार्ट जो है फिर रिपीट हो रहा है, तो इसका लेंथ अभी भी क्या है, पाई है। तो टैन कॉट पर यदि मॉड भी दे दीजिए तभी उसका पीरियड क्या रहेगा, पाई रहेगा। इन सिमिलर वे यदि इवन पावर दिया जाए, टैन स्क्वायर एक्स टैन टू दी पावर फोर एक्स, तब क्या रहेगा, पीरियड पाई रहेगा, और ऑड पावर दीजिए तभी पीरियड पाई रहेगा। तो टैन कॉट एक्स पर मॉड इंसर्ट कीजिए, इवन पावर रखिए ऑड पावर रखिए, उसके पीरियडिसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना बात समझ गए होंगे? अब दो पॉइंट और समझेंगे, उसके बाद नोट करेंगे।
साइन एक्स का पीरियड 2π, अब जानते हैं पहले से, नहीं तो ग्राफ से आप खुद समझ सकते हैं। अब कोई क्वेश्चन है कि साइन 2x का पीरियड क्या होगा, साइन 3x का पीरियड क्या होगा, तो समझेंगे इसको। ये साइन से ग्राफ, अब समझिए पाई बाई टू यहां पर रखेंगे तो वैल्यू 1 है पाई बाई टू। अब ध्यान से समझे, यहां पर यदि पाई बाई फोर रखेंगे, पाई बाई फोर, तब वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, पाई बाई फोर पर 1 हो जाएगा। मतलब जो वैल्यू पाई बाई टू पर पहले था, अब वह वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाई फोर पर आ जाएगा। जैसे साइन पाई जीरो होता है, यहां पर देखो पाई बाई टू रखो तो पाई बाई टू रखेंगे तो टू कैंसिल होकर साइन पाई मिलेगा, रख तो रहे हैं पाई बाई टू लेकिन मिल क्या रहा है पाई, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब क्या देख रहे हैं कि जो वैल्यू पहले पाई पर मिल रहा था, अब वह वैल्यू इसको पहले ही मिल जा रहा है, तो यह ग्राफ जो है कंप्रेस हो जाएगा, ट्वाइस हाफ हो जाएगा। तो इस जिसका पीरियड पर 2π था, अब वह पाई लेंथ पर ही रिपीट हो जाएगा, यह ग्राफ जो है इतना ही पर यह रिपीट है। समझ पा रहे हैं, यह 2x होने के कारण आप रख तो रहे हैं बड़ा वैल्यू पाई बाई टू, लेकिन वह वैल्यू इसको जो मिल रहा है 2 से कैंसिल होने के बाद पाई, तो जो आउटपुट दूर मिल रहा था अब वह नजदीक मिलना शुरू हो जाएगा, तो साइन 2x का पीरियड हो जाएगा पाई। तो हुआ क्या, पहले 2π था, यहां पर 2 से डिवाइड हो गया तो यह पीरियड पाई हो गया। अब कोई कहे कि साइन 3x का पीरियड, तो सेम रूल 2π/3 हो जाएगा, 3 टाइम्स वह क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा वह वैल्यू। साइन 4x का पीरियड क्या होगा, तो 2π/4। यदि कोई कहे कि साइन 4x/3 का पीरियड क्या होगा, क्या होगा, तो सेम रूल 2π में जो पहले जो इसका ओरिजिनल पीरियड है 4/3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, यह 2 जो कैंसिल 3π/2 यही पीरियड हो जाएगा। समझ गए, मींस इस पॉइंट के थ्रू हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि fx का पीरियड यदि t है, तो f ऑफ 2x का पीरियड क्या होगा, t/2, f ऑफ ax का पीरियड क्या होगा, t/8। यहां तक क्लियर था, एक पॉइंट और समझें। जैसे कोई फंक्शन है मान लो fx, इसका पीरियड 2 है, और कोई gx फंक्शन है, इसका पीरियड 3। मतलब क्या हो रहा है, ये 2 यूनिट लेंथ के बाद इसका वैल्यू रिपीट होगा, या 3 यूनिट लेंथ के बाद इसका वैल्यू रिपीट होगा। अब एक नया फंक्शन बनाया गया fx+gx, तो इसका पीरियड क्या होगा, तो क्या होगा, यह 2 यूनिट के बाद रिपीट हो रहा है, यह 4 यूनिट के बाद रिपीट हो रहा है, तो दोनों का कंबाइंड वैल्यू इसके एलसीएम पर रिपीट होगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 6, तो इसका पीरियड हो जाएगा 6। माइनस रखो, इंटू रखो, डिवीजन रखो, दो फंक्शन पीरियोडिक है, और यदि वह एक साथ आ जाए तो न्यू फंक्शन का जो पीरियड होगा उनके इंडिविजुअल पीरियड का एलसीएम के बराबर होगा। इतना रूल समझ गए होंगे, तो अब क्या करना है, अभी आपको डिफिनेशन नोट करना है, जितना रूल समझे हैं फिर उसको एक टेबल फॉर्म में लिखेंगे, उसको नोट करेंगे। ये सब एग्जांपल नोट करने की जरूरत नहीं था, पहले डिफिनेशन फिर रूल तब क्वेश्चन करेंगे, तो पॉज कीजिए और डिफिनेशन नोट कीजिए। अब जो रूल अभी हम तक हम लोग समझ रहे थे उसी रूल को फिर दोबारा समझेंगे, फिर नोट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, एक तरफ फंक्शन, दूसरी तरफ पीरियड दिया हुआ है, साइन कॉस सेक कोसेक का पीरियड 2π होता है, टैन कॉट का पीरियड पाई होगा, ये सब याद रखना है। थर्ड पॉइंट, कोई भी टीएफ का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर मॉड रख दीजिए,
तो उनका पीरियड पाई हो जाएगा। यदि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पावर इवन नंबर रखेंगे तो उसका पीरियड पाई होगा, लेकिन ऑड नंबर रहेगा तो पावर में तो उनका पीरियड जैसा पहले था, 2 पाई है तो 2 पाई रहेगा, जिनका पाई है उनका पाई रहेगा, तो देयर ओरिजिनल पीरियड रहेगा। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अलावा दो फंक्शन और हैं जो पीरियोडिक होते हैं, एक है फ्रैक्शनल पार्ट x और दूसरा है कॉन्स्टेंट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आप पढ़े थे, ग्राफ आप इसका जानते हैं, 0 से 1, फिर ग्राफ यह होगा, फिर ग्राफ यह होगा, यहाँ पर ब्लैंक सर्कल, ब्लैंक सर्कल, ब्लैंक सर्कल, तो 1 यूनिट के बाद यही ग्राफ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है कि यह पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड क्या हो जाएगा 1। कॉन्स्टेंट फंक्शन समझेंगे, कॉन्स्टेंट फंक्शन y=c का ग्राफ कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, यह हॉरिजॉन्टल लाइन है सी पर। अब इसका इतना पार्ट कट करते हैं, अब सोचिए, अब बोल सकते हैं ना कि यही पार्ट रिपीट हो रहा है, तो इसलिए यह भी क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। और पीरियड किसको बोलते हैं, लिस्ट पॉजिटिव है, तो कोई बोलेगा कि इसको और थोड़ा इतना छोटा कर देते हैं और बोलेंगे कि यह पार्ट रिपीट हो रहा है तो इसका पीरियड अब यह हो जाएगा, फिर और छोटा कर दो तो यह पीरियड हो जाएगा, सच पर है, और छोटा कर दो, इसीलिए इसमें क्या बोलते हैं कि कॉन्स्टेंट फंक्शन पीरियोडिक है, हैविंग नो फंडामेंटल पीरियड। क्लियर है, नेक्स्ट पॉइंट, ये रूल है एफ एक्स का पीरियड टी है, यहाँ पर एरो दिया गया है वो लैंग्वेज वर्ड को कम करने के लिए, यहाँ एरो का मतलब है इफ एफ एक्स है पीरियड टी देन एफ एक्स प्लस बी, एक्स के साथ कुछ ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टी ही रहेगा, लैम्बडा से टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाए, यहाँ पर मान लो 2 हो जाए, 8 हो जाए, -2 हो जाए, तभी पीरियड टी रहेगा। हाँ, एक समय किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए तब पीरियड क्या होगा, टी बाई ए हो जाएगा, लेकिन ए नेगेटिव रहने पर क्या होगा, पीरियड तो पॉजिटिव रखते हैं तो मॉड ए हो जाएगा, टी बाई मॉड ए। लेकिन यह अंडरस्टूड है कि लैम्बडा का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, लैम्बडा का वैल्यू 0 है तो होते ही क्या होगा, कॉन्स्टेंट फंक्शन हो जाएगा, फिर आंसर यह होगा। ए भी 0 नहीं होना चाहिए, ए 0 ही होते ही क्या हो जाएगा, यह कॉन्स्टेंट वैल्यू हो जाएगा, कॉन्स्टेंट फंक्शन, फिर आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर यह हम मान के चल रहे हैं कि लैम्बडा और ए 0 नहीं है, तब इसका पीरियड क्या होगा, टी बाई मॉड ए। तो इसी तरह से आपको नोट करना है, अभी और इसमें रूल है, फिर हम डिलीट करेंगे और इसमें कुछ और पॉइंट एड करेंगे, तो फिर पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट रूल है, अब नोट करना बंद करना है, पहले समझेंगे, इन सभी पॉइंट को समझेंगे, कुछ एग्जांपल भी करेंगे, आप रफ कॉपी लेकर के बैठिए, एग्जांपल को अभी साथ साथ सॉल्व करना करेंगे, और जब पूरा एग्जांपल समाप्त हो जाएगा तब यह थ्योरी का पार्ट नोट करना है, अभी हम डिलीट नहीं करेंगे, जब तक आप नोट नहीं करेंगे तभी नोट नहीं करना है। 6 पॉइंट तो कवर कर चुके थे, 7th पॉइंट, यदि एफ एक्स का पीरियड t1 है एंड जी एक्स का पीरियड t2 है, देन एफ एक्स और जी एक्स एक साथ हो, अब किसी भी साइन के साथ एक साथ हो सकता है, प्लस के साथ, माइनस के साथ, इनटू डिवीजन, किसी के साथ भी, तो उनका पीरियड क्या होगा, तो उनका पीरियड लेस देन इक्वल टू एलसीएम ऑफ t1 t2 का एलसीएम निकालेंगे, तो इन एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स जो दोनों फंक्शन एक साथ है उनका पीरियड एलसीएम के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। इसका मतलब क्या है, बुक में आप देखेंगे तो लिखा हुआ रहेगा एलसीएम के बराबर होता है, नहीं, एलसीएम के बराबर नहीं होता है, हाँ 90% केसेज में एलसीएम के बराबर होगा और कुछ केसेज में एलसीएम से छोटा होगा, तो कब छोटा होगा कब बराबर होगा वह एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे, लेकिन याद रखना है आपको कि दो पीरियोडिक फंक्शन के कॉम्बिनेशन का जो पीरियड होगा उनके इंडिविजुअल पीरियड के एलसीएम के बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। इफ एलसीएम एग्जिस्ट, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एलसीएम एग्जिस्ट करेगा तब यह आंसर होगा,
यदि मान लो टी वन टी टू का एलसीएम ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तब बोलेंगे कि यह नॉन पीरियोडिक है, पीरियोडिक नहीं हो पाएगा। तो एग्जांपल से सभी पॉइंट क्लियर होगा। फॉर कंपोजिट फंक्शन, अब दो फंक्शन का कंपोजिशन हो जाए तब क्या होगा। तो जी एक्स का पीरियड टी है तो एफ ऑफ जी एक्स का पीरियड क्या होगा। तो कंपोजिट फंक्शन का पीरियड टी के बराबर भी हो सकता है, टी से छोटा भी हो सकता है। समझिए कि थोड़ा सा, और इसको अंदर वाला पार्ट पीरियोडिक है और बाहर वाला फंक्शन पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक कुछ भी हो सकता है। तो इसका पीरियड क्या होगा, टी या टी से छोटा। जैसे थोड़ा सा एग्जांपल समझेंगे, लिखेंगे नहीं, जैसे लॉग साइन एक्स, तो लॉग तो पीरियोडिक नहीं होता है लॉग एक्स, लेकिन साइन एक्स पीरियोडिक है। अब साइन एक्स का वैल्यू तो रिपीट होगा तो लॉग को भी मजबूरी होगा कि रिपीट हो जाए। मान लो कि लॉग का जो ग्राफ है वह ऐसे है तो इसका इनपुट मिल रहा है जीरो से इन्फिनिटी, लेकिन कोई इसको इनपुट दे जीरो से वन तक, तो फिर क्या होगा, हमेशा यही ग्राफ रिपीट हो जाएगा। तो लॉग तो पीरियोडिक नहीं है, लेकिन इसका इनपुट यदि पीरियोडिक है तो फाइनल फंक्शन में क्या होगा, पीरियोडिक हो जाएगा। और उसका पीरियड क्या होगा, जो साइन एक्स का पीरियड है वही हो जाएगा टू पाई। समझ पा रहे बच्चे, जैसे ई टू दी पावर एक्स पीरियोडिक नहीं है, लेकिन ई टू दी पावर मान लो टेन एक्स हो जाए तो टेन एक्स का जो वैल्यू है वह तो रिपीट करेगा, तो ई टू दी पावर टेन एक्स भी रिपीटिंग हो जाएगा। तो इसका भी पीरियड क्या होगा, जो टेन एक्स का पीरियड है। समझ पा रहे हो, तो अंदर का पार्ट यदि पीरियोडिक है और बाहर का पार्ट कुछ भी हो, पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक उसे कोई मतलब नहीं, तो फाइनल फंक्शन पीरियोडिक होगा और उनका पीरियड टी के ही बराबर हो जाएगा। लेकिन बाहर वाला फंक्शन भी पीरियोडिक हो तो हो सकता है कि दोनों के पीरियड का इफेक्ट से कुछ पीरियड छोटा हो जाए, तो इसे लेस देन इक्वल टू भी हो जाएगा। अब कब लेस देन होगा वह देखेंगे, एक दो क्वेश्चन में लेस देन होता है, रेस्ट क्वेश्चन में टी के बराबर हो। अब इसको उल्टा कर दिया गया कि बाहर तो पीरियोडिक है अंदर नॉन पीरियोडिक है, अंदर पीरियोडिक का तो मतलब हो ही चुका है, अंदर अब नॉन पीरियोडिक है, तब आंसर होगा मे और मे नॉट बी पीरियोडिक। इसको समझिए, तीन चार क्वेश्चन है जिसमें आंसर तो पीरियोडिक होगा, रेस्ट क्वेश्चन में नॉट पीरियोडिक होगा, वह एक्सेप्शनल एग्जाम्पल के रूप में हम उसको समझ सकते हैं। तो वह एक्सेप्शनल एग्जाम्पल हम आपको नोट करा के लिखा देंगे, उसको आप याद रखेंगे, तो उन सभी का आंसर पीरियोडिक, इसके अलावा कोई भी फंक्शन आएगा तो आंसर देंगे नॉन पीरियोडिक। जैसे साइन लॉग एक्स कोई बोले पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक है, तो साइन या बाहर वाला फंक्शन देखिए पीरियोडिक, लेकिन अंदर वाला फंक्शन है नॉन पीरियोडिक, तो आंख बंद करके आंसर देना है नॉन पीरियोडिक। तीन चार क्वेश्चन है जिसका आंसर होगा पीरियोडिक, तो चूंकि रूल लिखा रहे हैं तो रूल में तो सही लिखाएंगे मे और मे नॉट बी पीरियोडिक, लेकिन फाइनल जो आपके लिए जो टेक्निक है वह क्या है कि तीन चार क्वेश्चन का आंसर तो पीरियोडिक होगा, रेस्ट क्वेश्चन का आंसर आंख बंद करके नॉन पीरियोडिक होगा, बाहर में पीरियोडिक हो अंदर में नॉन पीरियोडिक हो। अच्छा दोनों नॉन पीरियोडिक हो तो बात ही नहीं होगा पीरियोडिक का, दोनों नॉन पीरियोडिक होगा तो उनका कंपोजिट भी क्या होगा, नॉन पीरियोडिक, इसको सोचना क्या है। इसलिए एक तो कम से कम पीरियोडिक होगा तभी रूल में शामिल करेंगे उसको, तो ये सभी रूल है, अभी नोट नहीं करेंगे, कुछ एग्जांपल हम लोग करेंगे, बहुत एग्जांपल करने वाले हैं कि सभी रूल आपको क्लियर हो जाएगा, और जो एक्सेप्शनल एग्जांपल है उसको नोट करा करके लिखा देंगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड पीरियड ऑफ दिस एंड दिस, तो सबसे पहले देखिए साइन थीटा का पीरियड क्या होता है टू पाई, तो टू पाई, और एक्स का जो कोफिशियंट है उससे डिवाइड कर देना है तो टू बाई थ्री से डिवाइड करेंगे, टी बाई मॉड है, रूल पढ़े थे टी बाई मॉड है, कॉस स्क्वायर यहां पर ये जो था टी बाई मॉड, इस रूल से हम लोग लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर इवन पावर है, तो इवन पावर है तो पीरियड क्या हो जाएगा पाई, और एक्स का कोफिशियंट क्या है वन बाई टू, तो वन बाई टू से डिवाइड करेंगे, तो पहला आ गया थ्री पाई और दूसरा आ गया टू पाई, तो दोनों का एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा सिक्स पाई, एलसीएम निकालो
और यही आंसर हो जाएगा। अभी केवल देखिए, प्रैक्टिस करने के लिए हम क्वेश्चन देंगे, वहां पर अपनी करामात दिखाइएगा, कमाल दिखाइएगा, अभी तो सीखना है मेथड को। तो यह हो जाएगा 6 पाई, समझ गए होंगे, बहुत इजियर है। दोनों मान लो एक और फंक्शन प्लस में रहता, उसका ही पीरियड निकालते, तीनों का एलसीएम करते, वही आंसर हो जाता। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखो, साइन एक्स मॉड कॉस एक्स मॉड, तो मॉड है तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पाई। यह भी मॉड है तो इसका भी पीरियड पाई, और दोनों का एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई। तो रूल तो बोल रहा है कि इसका पीरियड पाई होगा, लेकिन रियल में इसका पीरियड पाई नहीं, पाई बाई टू है, तो इसीलिए रूल लिखे हैं लेस देन इक्वल टू। यह एक्सेप्शनल एग्जाम्पल में से आएगा। कैसे होगा पाई बाई टू, तो चेक करने का प्रोसेस समझिए। पाई का हाफ होगा पाई बाई टू, तो एक्स प्लस पाई बाई टू, पाई बाई टू प्लस एक्स, एक्स के जगह पर रखिए, तो पाई बाई टू प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और कॉस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, लेकिन मॉड है तो मॉड के साथ वो माइनस खत्म हो जाएगा, साइन एफ एक्स के बराबर आ गया। तो डिफिनेशन याद करो, एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, तो क्या हो गया इसका पीरियड, टी का वैल्यू क्या हो गया, पाई बाई टू, तो पाई बाई टू इसका पीरियड हो जाएगा। अब इसको क्लियर करेंगे आपको थोड़ा देर, कि यहां पर तो एलसीएम के बराबर आ गया, यहां पर एलसीएम से छोटा आ गया, तो कब बराबर आएगा कब छोटा आएगा ये हम क्लियर करेंगे, लेकिन इस एग्जांपल को देखने के बाद। यहां पर रिमोड है, यहां पर रिमोड है, तो इसका पीरियड पाई, इसका पीरियड पाई, दोनों का एलसीएम करेंगे तो पाई आएगा, लेकिन अभी तो देखे हैं कि पाई बाई टू हो गया है, तो यहां पर चेक करते हैं पाई बाई टू होगा या नहीं होगा। तो एफ एक्स प्लस पाई बाई टू रखो, पाई बाई टू प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो साइन एक्स का वैल्यू हो जाएगा कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, लेकिन मॉड है तो प्लस ही रहेगा साइन एक्स, लेकिन यहां माइनस है, ऑर्डर चेंज हो गया है, तो यह एफ एक्स के बराबर नहीं हुआ, तो इसका पीरियड पाई बाई टू नहीं, जो एलसीएम था वही पीरियड हो जाएगा, पाई रह जाएगा, समझ गए। अब देखिए एक पॉइंट को नोट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जैसे साइन के साथ कॉस, टैन के साथ कॉट, और सेक के साथ कोसेक, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो और सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक का मतलब यहां भी मोड यहां भी मोड, सिमेट्रिक हो, तो एलसीएम जो आएगा उससे छोटा पीरियड हो सकता है, लेकिन मान लो साइन कॉस नहीं हो, साइन टैन हो, साइन कॉट हो, तब जो है एलसीएम के बराबर होगा, और साइन कॉस तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, तब भी एलसीएम के बराबर हो जाएगा। फिर सुनिए इसको, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो और सिमेट्रिक हो, तब उनका एलसीएम से छोटा पीरियड होने का चांस रहेगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं है तो पीरियड एलसीएम के बराबर होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है तब भी पीरियड एलसीएम के बराबर है। जैसे यहां पर साइन और कॉस तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, यहां पर स्क्वायर है, यहां पर विदाउट स्क्वायर है, कोफिशियंट भी अलग अलग है, तो यहां पर भी आंख बंद करके ब्लाइंडली एलसीएम निकालेंगे वही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहां पर देखो साइन कॉस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, सिमेट्रिक है, एक जैसा है, तब क्या करेंगे, जब एक जैसा होगा, सिमेट्रिक होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो एलसीएम का हाफ हमेशा चेक करना है, ठीक है, पाई आया तो पाई बाई टू रख के चेक करेंगे, एक्स प्लस टी, और यदि एफ एक्स आ गया तो पीरियड पाई नहीं होकर के पाई बाई टू हो जाएगा। जैसे यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, दोनों में मॉड है, लेकिन माइनस होने के कारण यह सिमेट्रिक नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है तो इसी से आप बोल सकते थे आंसर पाई होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए हम दोबारा चेक किए, एक्स्ट्रा चेक किए कि एफ एक्स के बराबर नहीं आया, इसलिए इसका पीरियड पाई नहीं, पाई ही है, पाई बाई टू नहीं है। समझ गए होंगे कि दो फंक्शन जब एक साथ हो पीरियोडिक, तो उनके इंडिविजुअल पीरियड का एलसीएम निकालेंगे, और यदि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है दोनों और सिमेट्रिक है
तब एलसीएम से छोटा हाफ चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, एफ एक्स प्लस टी, टी की जगह पर जो एलसीएम आया है उसका हाफ रख देंगे, आप कैलकुलेट करेंगे। यदि एफ एक्स के बराबर आ गया तो पाई नहीं हो गया, पाई बाई टू हो जाएगा, और नहीं आया तो एलसीएम के बराबर हो जाएगा। बट कॉम्प्लीमेंट्री ही नहीं हो तो सीधा एलसीएम निकालेंगे, वही आंसर। कॉम्प्लीमेंट्री हो, सिमेट्रिक नहीं हो तो एलसीएम निकालेंगे, वही आंसर कर देंगे। क्लियर है बच्चे? अब देखो इसको, सोचो इसका पीरियड क्या होगा। इवन पावर है, यह भी इवन पावर है, तो इसका पीरियड भी पाई, इसका पीरियड भी पाई, तो दोनों का एलसीएम पाई। और एट वंस आप देख सकते हैं कि सिमेट्रिक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो पाई बाई टू चेक करना चाहिए। चेक करने के लिए लिखने की भी जरूरत नहीं है, अब तो आप समझदार हो गए होंगे इतना समझने के बाद। पाई बाई टू प्लस एक्स आप इसमें रखेंगे, मनी मन रखिए, तो यह कॉस बन जाएगा या साइन बन जाएगा, तो यह एफ एक्स के बराबर हो जाएगा, तो इसका पीरियड पाई बाई टू हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब समझो यहां पर माइनस दे दे तो तब क्या हो, तब एलसीएम के बराबर ही पीरियड हो जाएगा। तो इतना पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा, अभी भी आपको नोट नहीं करना है, अभी और एग्जांपल समझेंगे फिर तब नोट करेंगे, कुछ और एग्जांपल अभी हम लेंगे। तीन क्वेश्चन है आपके सामने, आप चाहें तो पहले पॉज करके इस तीनों क्वेश्चन का अटेम्प्ट करें और फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच करें। रफ कॉपी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप अटेम्प्ट कर चुके होंगे, हम मान करके आगे बढ़ते हैं। कॉस ऑफ साइन एक्स कॉस ऑफ कॉस एक्स, यह किस रूल से बनेगा, यह कंपोजिट रूल से बनेगा, इस रूल से। अब प्लस माइनस है तो एलसीएम से भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको बाहर के फंक्शन से तो मतलब ही नहीं है, हमको मतलब है अंदर के फंक्शन से। अंदर का फंक्शन पीरियोडिक है तो होल फंक्शन भी पीरियोडिक होगा, तो इसका पीरियड क्या होता है 2π, और इसका पीरियड भी क्या होता है 2π, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 2π, एलसीएम है 2π। लेकिन यहां पर देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है और सिमेट्रिक है, तो इसके हाफ पर चेक करना चाहिए, तो 2π का हाफ क्या हो जाएगा पाई, तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई पर चेक करेंगे। पाई प्लस एक्स किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स नेगेटिव होगा, लेकिन माइनस आएगा तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये सेम रह जाएगा, कॉस ऑफ साइन एक्स प्लस, यहां पर भी थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पाई प्लस एक्स रखेंगे तो वह भी नेगेटिव आएगा, लेकिन बाहर वाला कॉस फिर पॉजिटिव बना देगा, तो कॉस ऑफ कॉस एक्स आ जाएगा, तो एफ एक्स के बराबर आ गया। तो इसका मतलब अभी तक डिसीजन क्या होगा कि 2π नहीं होके पीरियड पाई होगा, लेकिन अभी यहां पर स्टॉप नहीं होगा सॉल्यूशन, पाई का भी हाफ चेक करेंगे। जब तक अच्छा हाफ आएगा, एलाइड एंगल का फॉर्मूला जहां पर सेट हो जाए तब तक आपको चेक करना है। पिछले क्वेश्चन में पाई आया था एलसीएम, तो पाई बाई टू चेक किए थे, क्योंकि पाई बाई टू के साथ एलाइड एंगल का फॉर्मूला बनता है। यहां पर एलसीएम 2π आया तो 2π का हाफ पाई, पाई चेक करेंगे, फिर पाई का हाफ पाई बाई टू भी चेक करना है, तो एफ एक्स प्लस पाई बाई टू चेक करो। पाई बाई टू के साथ क्या होगा, साइन कॉस बन जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो कॉस ऑफ कॉस एक्स रहेगा प्लस, इस कॉस में पाई बाई टू प्लस एक्स रखेंगे तो माइनस साइन एक्स बनेगा, लेकिन यह बाहर वाला कॉस उसको फिर प्लस में कन्वर्ट कर देगा तो कॉस ऑफ साइन एक्स बन जाएगा। तो अभी भी देखेंगे कि यह फंक्शन क्या होगा, सेम है, इंटरचेंज हुआ है, क्या हुआ, एफ एक्स के बराबर हो गया, तो इस फंक्शन का पीरियड न 2π होगा न पाई होगा, क्या होगा पाई बाई टू होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई बाई टू। समझ ओके कि कब छोटा पीरियड होगा, कब बराबर पीरियड होगा, जब भी कंप्लीमेंट्री फंक्शन हो, सिमेट्रिक हो, तो पीरियड छोटा होने की संभावना रहेगा। तो छोटा कौन होगा, तो यदि पीरियड टी है तो उसका हाफ पर चेक कीजिए, और उसका फर्दर हाफ भी अच्छा वैल्यू आ रहा है पाई बाई टू जैसा, तो उसको भी चेक कीजिए, एक दो स्टेप चेक करना पड़ सकता है। अब इसको देखो, इसका पीरियड 2π,
इसका पीरियड 2 पाई, तो एलसीएम आएगा 2 पाई। और यहां पर भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, सिमेट्रिक, बहुत बार नहीं भी पता चले सिमेट्रिक तो मान लीजिए सिमेट्रिक भी है, तो हाफ पर चेक कर लीजिए कितना टाइम लगेगा चेक करने में, तो एफ एक्स प्लस पाई, हाफ पर चेक करो तो पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, यह नेगेटिव तो बाहर वाला कॉस तो पॉजिटिव कर देगा उसको, तो कॉस ऑफ साइन एक्स। लेकिन यहां पर जो है देखेंगे यह नेगेटिव आएगा तो यह साइन ऑफ मान थीटा माइनस साइन थीटा जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो यह बराबर नहीं हुआ, तो इसलिए इसका पीरियड पाई नहीं होगा, एलसीएम ही आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है चेक करना कि कब एलसीएम के बराबर होगा, कब एलसीएम से छोटा होगा, यह तो समझ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, e टू दी पावर, यह इस रूल पर बेस्ड है, बाहर वाला फंक्शन कुछ भी हो अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक होना चाहिए, तो e टू दी पावर, समझ रहे, ये कुछ भी लिखा रहा है इससे मतलब नहीं है, सीधा हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, तो साइन थीटा 2 पाई बाई पाई, रूल अप्लाई करो 2 पाई बाई पाई, कैंसिल हो गया 2 आ गया, स्क्वायर इवन पावर है तो पाई होगा ओरिजिनल पीरियड, और ए का वैल्यू 1/4 है तो 1/4 से डिवाइड करो, यहां पर थोड़ा हम चेंज करेंगे क्वेश्चन, पाई एक्स रख देते हैं, तो पाई बाई 4 से डिवाइड करो तो पाई पाई कैंसिल हो गया 4 आ जाएगा। और कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक होता है, तो पीरियोडिक होता है तो उसका अपना पीरियड तो कुछ नहीं है, तो जो उसके साथ जो पीरियोडिक फंक्शन है उसी का पीरियड वो भी एक्सेप्ट कर लेगा, तीस टर्म को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। अब इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 8, तो 8 ही हमारा पीरियोडिक पीरियड हो जाएगा इसका, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, तो एलसीएम छोटा होने का चांस नहीं है, तीन आंसर हो जाएगा, समझ गया होंगे। एक बात जो है और समझाना है हमको, तो कुछ एग्जांपल और लेंगे, तीन क्वेश्चन और अटेम्प्ट करना है, चाहे तो फिर उसी तरह से पॉज करके रफ कॉपी में अटेम्प्ट कीजिए और फिर सॉल्यूशन को देखिए। हम समझ रहे हैं कि अटेम्प्ट कर लिए होंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, कॉस एक्स का जो पीरियड होगा 2 पाई बाई पाई, क्योंकि पाई यहां पर कोफिशियंट है तो कैंसिल होकर के 2। अब 2 पाई और 2 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम निकाल सकते हैं, निकाल करके बताओ क्या है 2 पाई और 2, और हम 100% कॉन्फिडेंट है कि आप इसका आंसर बोल रहे होंगे 2 पाई। ध्यान से देखिए इसको समझाएंगे फिर, 2 पाई और 2 यह इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है, इसका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, और एलसीएम जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आंसर क्या हो गया, नॉन पीरियोडिक, यह फंक्शन नॉन पीरियोडिक हो जाए। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं आप तो जानते ही हैं, लेकिन बहुत सा पार्ट एलसीएम का आप नहीं जानते होंगे, तो आज सिखाएंगे, तो लास्ट में हम नोट कराएंगे, इरेशनल और रेशनल का एलसीएम नहीं हो तो नॉन पीरियोडिक, यह हम फिर हम फर्दर एलसीएम वाला पार्ट क्लियर करेंगे, यह समझेंगे, पहले यह समझते हैं फिर यह समझते हैं। एक्स प्लस साइन एक्स, अब एक्स क्या होता है, यह तो नॉन पीरियोडिक होता है, पीरियोडिक फंक्शन 7 है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 8 है, और एक फ्रैक्शनल पार्ट और नेक्स्ट कॉन्स्टेंट फंक्शन, यह 8 फंक्शन ही पीरियोडिक है, इसके अलावा दूसरा फंक्शन नॉन पीरियोडिक। तो कोई पूछे y इक्वल टू log x, तो आठों में नहीं है तो नॉन पीरियोडिक, एक्सपोनेंशियल नॉन पीरियोडिक, करली ब्रैकेट x पीरियोडिक तो है तो लिस्ट में है, ग्रेटर सीजर फंक्शन नॉन पीरियोडिक, सोचना ही नहीं है नॉन पीरियोडिक बोलना है, क्वाड्रेटिक फंक्शन नॉन पीरियोडिक, रेशनल फंक्शन नॉन पीरियोडिक, 8 फंक्शन के अलावा जो फंक्शन है वो नॉन पीरियोडिक है। तो पूछे कोई x क्या है, पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, और साइन x क्या है, पीरियोडिक, तो पीरियोडिक प्लस नॉन पीरियोडिक फंक्शन क्या होगा, जैसे यह कह रहा है कि रिपीट होंगे और यह बोल रहा है कि रिपीट होने नहीं देंगे, तो दोनों का जो सम होगा वो नॉन रिपीटिंग होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन पीरियोडिक, यहाँ सोचना ही नहीं, इसलिए इस टेबल में इसका कहीं पर जिक्र नहीं हुआ है। पीरियोडिक के साथ कोई नॉन पीरियोडिक फंक्शन प्लस माइनस इंटू डिविजन में आ जाए तो आंसर क्या होगा, नॉन पीरियोडिक,
इसको सोचना ही नहीं, तो आंसर होगा डन पीरियोडिक। अब इसको देखेंगे, यह तो पीरियोडिक फंक्शन है और आप यह ग्रेटर देखेंगे नॉन पीरियोडिक, लेकिन यहां पर थोड़ा सा अरेंजमेंट करना है, यह पीरियोडिक है। यह वास्तव में क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, कर्ली ब्रैकेट हो जाएगा। तो कर्ली ब्रैकेट के लिए क्या होना चाहिए, जो इनपुट यहां पर है वही इनपुट इधर होना चाहिए। तो 2x माइनस हाफ, लेकिन यहां पर केवल क्या है 2x, तो हाफ सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं, tan पाई x, 2x माइनस हाफ कर दिया, माइनस 2x माइनस हाफ, और लास्ट में प्लस हाफ कर दिया। अब tan का पीरियड होता है पाई, अब कोफिशियंट है पाई, तो डिवाइड करेंगे तो 1। अब यह हो गया फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, कर्ली ब्रैकेट 2x माइनस हाफ, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट का पीरियड होता है 1 और x का कोफिशियंट 2 है, तो 1/2। और कॉन्स्टेंट फंक्शन पीरियोडिक होता है, उसका अपना पीरियड नहीं होगा, इसके साथ जो पीरियोडिक फंक्शन है उसी का पीरियड यह भी एक्सेप्ट कर लेगा, इन्हीं दोनों का एलसीएम करेंगे। एलसीएम करने आता है रेशियो का, फ्रैक्शनल नंबर का नहीं है आता है, देख लीजिए न्यूमरेटर का एलसीएम करते हैं और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालते हैं, तो 1 और 1 का एलसीएम 1 और 1 और 2 का एचसीएफ 1, तो फाइनल एलसीएम 1 आएगा, यही आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे, लास्ट वैरायटी है, समझ आना है इसको। ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ यदि लग रहा हो नॉन पीरियोडिक है तो बड़े सेट करेंगे, यदि फ्रैक्शनल पार्ट सेट हो गया तो वह हो जाएगा पीरियोडिक फंक्शन। और यह तो बहुत ही आसान है, नॉन पीरियोडिक प्लस पीरियोडिक, फाइनल आंसर नॉन पीरियोडिक। अब जो है एक नोट समझें, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स का पीरियड क्या होगा, पाई बाई टू। ये तो समझ गया है, याद भी रहना चाहिए, क्योंकि बहुत बार रेंज निकालने में हम लोग पीरियोडिसिटी यूज करते हैं, तो डायरेक्ट इसका पीरियड पता रहना चाहिए पाई बाई टू, और फिर उसके यूज करते हुए बहुत से क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। साइन टू दी पावर 4x, कॉस टू दी पावर 4x, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, सिमेट्रिक फंक्शन है, पीरियड पाई बाई टू हो जाएगा। माइनस है तो कॉम्प्लीमेंट्री तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, तो इंडिविजुअल पीरियड पाई पाई, एलसीएम पाई, पाई पीरियड रह जाएगा। ये तीनों एग्जाम्पल आपको याद रहना चाहिए। अब यह समझे, साइन रूट एक्स, साइन एक्स स्क्वायर एक्स, साइन एल एन एक्स, यह किस वैरायटी का एग्जाम्पल है, तो देखिए इस वैरायटी का एग्जाम्पल, बाहर वाला पीरियोडिक है, अंदर वाला नॉन पीरियोडिक है, तो 2-3 क्वेश्चन को छोड़ करके रेस्ट सभी क्वेश्चन नॉन पीरियोडिक। इसको ऐसा समझिए, एफ ऑफ एक्स प्लस बी, यह लीनियर है, लीनियर लीनियर है, इसको देखिए, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी पीरियोडिक फंक्शन का इनपुट जब लीनियर है तो वह हमेशा पीरियोडिक होगा और उसका आंसर होगा टी वन मॉड ए, और लीनियर के अलावा कुछ भी हो, रूट एक्स, एक्स स्क्वायर, एल एन एक्स, ई टू दी पावर एक्स, ग्रेटर एक्स, एनीथिंग, तो आंसर होगा नॉन पीरियोडिक। यहां सोचना ही है नॉन पीरियोडिक, क्लियर है बच्चे, लीनियर शब्द भी नोट करेंगे, अभी नोट करने का टाइम देंगे आपको, यह लीनियर वर्ड भी याद रखना है, यहाँ पर लीनियर नहीं है, लीनियर नहीं है, लीनियर नहीं है, नॉन पीरियोडिक आंसर देना है, बाहर में पीरियोडिक, अंदर में नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक। लेकिन बताए थे 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर क्या होता है पीरियोडिक, तो उसमें से एक क्वेश्चन यह है, एक्स प्लस साइन एक्स नॉन पीरियोडिक होता है, अभी देखे थे एग्जाम्पल, अब बाहर में पीरियोडिक है तो होना चाहिए था नॉन पीरियोडिक, लेकिन 2-3 एक्सेप्शनल क्वेश्चन को छोड़कर, तो यह एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। अब इसको वेरीफाई कैसे करें, इसको वेरीफाई करेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड से, इंस्पेक्शन मेथड से। तो जनरली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड क्या होता है, 2π पर तो ग्राफ रिपीट हो जाएगा, तो इसमें हम लोग टी का वैल्यू 2π रखेंगे, जैसे एक्स प्लस टी, तो टी के जगह पर रखेंगे 2π, 2π प्लस x, इसमें x के जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, यदि f x के बराबर आ गया तो पीरियोडिक हो गया, इसमें रखो x के जगह पर, तो साइन
टू पाई प्लस एक्स, एक्स के जगह पर ऑर्डर चेंज करके रख दिया, और यहां पर भी रखो साइन टू पाई प्लस एक्स। टू पाई प्लस एक्स साइन टू पाई प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स आ जाएगा। इस पूरे को भी थीटा मान लो, तो फिर पढ़ो टू पाई प्लस थीटा, बाहर में साइन है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू सेम रह जाएगा, या एक्स प्लस साइन एक्स। तो क्या हो गया, सरप्राइजिंगली क्या हो गया, एफ एक्स के बराबर आ गया, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, टू पाई। तो इसको भी याद रखना है कि साइन ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स का पीरियड क्या होगा, टू पाई। उसी से कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स या एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, टेन ऑफ टेन, उसी से कॉस रूट एक्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, सबका आंसर क्या होगा, नॉन पीरियोडिक। तो यह एक्सेप्शनल एग्जाम्पल था कि लीनियर नहीं है फिर भी पीरियोडिक हो गया। इस तरह के दो एग्जाम्पल को छोड़ करके रेस्ट कुछ भी हो, बाहर में पीरियोडिक इधर लीनियर नहीं है, तो आंसर होगा नॉन पीरियोडिक। तो यह कंप्लीट थ्योरी हुआ विथ कंप्लीट प्रैक्टिस। तो वीडियो को पॉज कीजिए, जहां तक आप लिखे थे उसमें इस रूल को भी ऐड कीजिए, इस नोट को भी लिखिए, इसके बाद हम समझेंगे एलसीएम वाला पार्ट। तो ये सभी रूल समझ गए होंगे आप, नोट भी कर लिए हैं, प्रैक्टिस भी सफिशियंट हो गया। कभी भी फ्यूचर में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कभी भी आपको कंफ्यूजन हो, तो इन सभी रूल का हेल्प लेना है, इंस्पेक्शन मेथड टू पाई रख करके, मोस्ट फेवरेबल पीरियड क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए, टू पाई, तो टी के जगह पर टू पाई रख के चेक करना है एफएक्स के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और कभी कभी ग्राफ का भी हेल्प ले सकते हैं। तो एक्सेप्शनल एग्जांपल में यह फर्स्ट पॉइंट हो गया, एक और पॉइंट रखते हैं, एफएक्स इक्वल्स टू टेन पाई बाई टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो फिर इसको देखिए, बाहर में पीरियोडिक अंदर में नॉन पीरियोडिक, लीनियर भी नहीं है, तो एक दो क्वेश्चन को छोड़ करके आंसर होता है नॉन पीरियोडिक, लेकिन यह एक्सेप्शनल है पीरियोडिक हो जाएगा। अब इसको चेक कैसे करें, तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे ग्राफ, ग्राफ यूज करो, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, 0 से 1 ग्रेटेस्ट जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, तो टेन 0, 0, तो यह 0 पर ग्राफ हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहां पर ब्लैंक सर्कल। 1 से 2 में क्या होगा, ग्रेटेस्ट जेड का वैल्यू 1, तो टेन पाई बाई 2 अनडिफाइंड होता है, इसमें कोई ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यह ब्लैंक रहेगा। 2 से 3 में सोचो, 2 से 3 में क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट जेड 2, तो कैंसिल होकर के टेन पाई क्या होता है, 0, तो यहां पर भी होगा हॉरिजॉन्टल लाइन और आगे ब्लैंक हो जाएगा। 3 से 4 में बोलो 3, तो टेन 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल, टेन अनडिफाइंड होगा, तो यहाँ पर ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर 4 से 5 में चेक करो, 4 से 5 में ग्रेटर का वैल्यू 4, कैंसिल होकर के 2 पाई, टेन 2 पाई, टेन एन पाई 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस तरह से ग्राफ होते चला जाएगा। तो देखो यह रिफ्टिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 0 से 2 यूनिट तक कट करो इसको, और फिर आगे पेस्ट करते चले जाओ, तो देखोगे कि ग्राफ एग्जैक्टली बनते चला जा रहा है, फिर रिपीट हो रहा है, और कितना यूनिट के बाद रिपीट हो रहा है, 2 यूनिट के बाद रिपीट हो रहा है, इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा, बहुत सोच रहे होंगे अनडिफाइंड वाले पार्ट को क्यों ले रहे हैं, ये हम डोमेन नहीं निकाल रहे हैं, लेंथ निकाल रहे हैं, कितना लेंथ के बाद यह रिपीट हो रहा है, तो 2 यूनिट लेंथ के बाद जो ग्राफ था रिपीट हो रहा है, पीरियड 2 हो गया, इसमें डिफाइंड अनडिफाइंड से कोई मतलब नहीं है। तो यह भी एक्सेप्शनल एग्जांपल है, इसका पीरियड क्या हो गया, 2 हो गया। तो जब भी कभी आपको डाउट हो, रूल वहां पर हेल्प कम कर रहा हो, तो आप इंस्पेक्शन मेथड और ग्राफिकल मेथड दोनों या दोनों में से कोई एक मेथड यूज करके डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत फ्यू क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, शायद फिर आगे कहीं क्वेश्चन मिले जो ऐसा पीरियोडिक होगा, मैक्सिमम केसेस में नॉन पीरियोडिक होगा। क्लियर है यहां तक? एक और एग्जांपल लेते हैं, थर्ड, y इक्वल टू रूट साइन एक्स,
इसका पीरियड क्या होगा। तो हम लोग क्या क्या देखे थे, साइन एक्स टू दी पावर इवन नंबर टू पाई हो जाता है पीरियड, ऑड नंबर पाई टू पाई ही रहता है, रूट फ्रैक्शनल पावर हो तब क्या करें, तो फिर यहां पर ग्राफ का हेल्प ले लो, दो ही होगा या टू पाई होगा या पाई होगा। तो साइन एक्स अगर आप याद करो, साइन एक्स अगर आप क्या होता है, यह होता है, फिर यह होता है, और रूट है तो अनडिफाइंड वाले पार्ट पर, नेगेटिव वाले पार्ट पर अनडिफाइंड हो जाएगा तो ये खत्म, यह ग्राफ रहेगा, फिर यह ग्राफ रहेगा, ये खत्म। अब देखेंगे टू पाई लेंथ है, फिर यहां से यहां तक टू पाई लेंथ है। अब क्या देख रहे हैं, यही पार्ट यहां पर रिपीट हो रहा है, तो यह भी पीरियोडिक हो गया और इसका पीरियड क्या हो गया, टू पाई। तो ग्राफ का भी हेल्प कभी कभी लेना चाहिए। यहां तक सब समझ गया हूं, तो यह पूरा कंसेप्ट हो गया पीरियोडिसिटी का। आज हम सीट भेजेंगे, उसको सॉल्व करना है, बहुत आसानी से सॉल्व होता है, आधा घंटा में पूरा सीट सॉल्व कर लेंगे। एक पॉइंट और क्लियर करेंगे एलसीएम के, अब एलसीएम को क्लियर कीजिए। दो नंबर है जिसका एलसीएम सी है, तो कैसे समझें कि सही एलसीएम है या गलत एलसीएम। तो यहां पर उल्टा लिखा गया, सी बाई ए जो है इंटीजर होना चाहिए और सी बाई बी भी इंटीजर होना चाहिए। जैसे टू और थ्री का एलसीएम सिक्स, तो सिक्स में टू से डिवाइड करो और थ्री से भी डिवाइड करो तो इंटीजर आना चाहिए। एलसीएम ऑलवेज डिविजिबल बाई देयर कंपोनेंट, डिविजिबल होगा और डिविजिबल का मतलब डिवाइड करने पर इंटीजर मिलना चाहिए। यदि फ्रैक्शन मिलेगा इसका मतलब यह एलसीएम गलत होगा। फिर रेशियो में कोई नंबर हो तो उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएम और दोनों को डिवाइड कर दो तो वह जो रेशियो आएगा वही एलसीएम हो जाएगा। अब यहां पर कुछ नंबर है और उनका एलसीएम, और आपको चेक करना है कौन सही है कौन गलत है। तो टू थ्री का एलसीएम पहले चेक कर लो, खुद आप टिक मारो क्रॉस करो कौन सही है फिर गलत है और फिर मेरे आंसर से मिला लोगे। तो चेक कर लिए हम, अब देखते हम चेक करते हैं, टू थ्री का एलसीएम सिक्स सही है, टू पाई थ्री का एलसीएम सिक्स पाई यह गलत है। क्यों गलत है, तो सिक्स पाई को टू पाई से डिवाइड करो, चेक करने का यही मेथड, तो क्या आ जाएगा थ्री, इंटीजर है, लेकिन सिक्स पाई को जब थ्री से डिवाइड करोगे तो टू पाई, टू पाई इरेशनल नंबर या इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है मतलब डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब गलत एलसीएम है, यह सही हो जाएगा। रूट टू रूट थ्री का एलसीएम रूट सिक्स गलत हो जाएगा, रूट सिक्स में रूट टू से डिवाइड करोगे तो इंटीजर नहीं आएगा इरेशनल नंबर आएगा, यह चेक करो। रूट टू से डिवाइड करेंगे तो रूट फोर आएगा, फाइनली इंटीजर रूट टू आ जाएगा, रूट एट से भी डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होकर के वन आएगा, तो दोनों केस में इंटीजर है तो यह एलसीएम भी सही है। तो ऐसा कुछ याद नहीं रखना है कि रेशनल इरेशनल इरेशनल रेशनल, ऐसा कुछ याद नहीं रखना, लेकिन फिर भी उसे समझाए थे आप, दो रेशनल नंबर एलसीएम हमेशा होगा, एक इरेशनल और एक रेशनल का एलसीएम कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, दो इरेशनल का एलसीएम एग्जिस्ट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, इंटीजर वाले पार्ट से चेक करेंगे। और लास्ट पॉइंट फिर एक बार रिमाइंड कराते हैं, पीरियोडिक फंक्शन के साथ कोई नॉन पीरियोडिक हो जाए, कोई कहे कि साइन एक्स प्लस एल एन एक्स यह रिपीट करेगा या बोलेगा रिपीट होने नहीं देंगे, तो फाइनल वैल्यू रिपीट नहीं होगा। तो पीरियोडिक के साथ कोई नॉन पीरियोडिक हो प्लस माइनस इंटू डिविजन तो आंसर क्या होगा, नॉन पीरियोडिक। तो यह पीरियोडिक का पूरा कंसेप्ट कवर हुआ, इसको आप रिवाइज करें और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे 1-1 ऑन 2 यह सब फंक्शन।